नमस्कार, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल GH24 न्यूज में। मैं हूँ आपके साथ बतौर रिजवी। तो शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर राजसमंद से। देवगढ़ राजसमंद में करणी माता मैदान स्थित सिंथेटिक कोर्ट पर चल रही 70वीं राज्य स्तरीय महिला एवं पुरुष बास्केटबॉल प्रतियोगिता के महिला वर्ग के सेमीफाइनल में अजमेर ने सीकर को, भीलवाड़ा ने जयपुर अकादमी को पराजित करके फाइनल में प्रवेश किया। पुरुष वर्ग में प्रथम सेमीफाइनल में भीलवाड़ा ने बाड़मेर को एवं जयपुर ने अजमेर को पराजित करके फाइनल में प्रवेश किया। जिला बास्केटबॉल संघ सचिव दीनदयाल त्रिवेदी ने बताया कि महिला वर्ग का फाइनल भीलवाड़ा व अजमेर के मध्य सायंकाल 5 बजे और पुरुष वर्ग का फाइनल भीलवाड़ा व जयपुर के मध्य सायंकाल 6 बजे खेला जाएगा। फाइनल मुकाबले के बाद समापन समारोह का आयोजन रखा गया, जिसकी अध्यक्षता अंजना जोशी चेयरमैन नगर पालिका देवगढ़, मुख्य अतिथि श्रीमान चंद्र प्रकाश त्रिवेदी DIG BSF डॉक्टर रघुनंदन जोशी, कर्नल भारतीय सेना कवरानीसा हुकुम भावना कुमारी चांद खान पठान, जिला खेल अधिकारी अध्यक्ष ग्रेनाइट एसोसिएशन सपना भंडारी, समाज सेविका नटवर लाल शर्मा, देवगढ़ मदारिया मित्र मंडल एवं समस्त गणमान्य उपस्थित रहेंगे। ये 70वीं सीनियर स्टेट बास्केटबॉल प्रतियोगिता दिनांक 31/10/2019 से 3/11/2019 तक देवगढ़ के अंदर आयोजन होने जा रही है। यह प्रतियोगिता क्योंकि राजस्थान के अंदर राजस्थान स्टेट बास्केटबॉल गेम है, देवगढ़ के अंदर पहले भी यहाँ प्रतियोगिताएं काफ़ी कराई है। मैं गर्व के साथ कहूँगा कि मेरे साथ खेले हुए चंद्र प्रकाश जी जो DIG आज आ रहे हैं, कर्नल जोशी साहब यहाँ पर आ चुके हैं, इनका सभी का, क्योंकि बास्केटबॉल एक ऐसा हमारा पारिवारिक गेम की तरह है और बास्केटबॉल में राजस्थान ने बहुत कुछ दिया है, उसके अंदर देवगढ़ का भी बहुत अच्छा सहयोग रहा है। देवगढ़ ने 3 प्रतियोगिताएं इससे पहले और भी आयोजन करवाई है। यहाँ का आशीष द्विवेदी का मैं निश्चित जिक्र करूँगा, क्योंकि उसने अंदर आशीष ने भी भारतीय टीम का यहाँ प्रतिनिधित्व किया है और रहने की और जो ग्राउंड्स वगैरह यहाँ की है, आप ये जो मेरे पीछे आप ग्राउंड देख रहे हैं, ये सिंथेटिक कोर्ट बने हुए हैं, जो ये इंटरनेशनल लेवल के दोनों कोर्ट है। यहाँ जो प्रतियोगिताएं हो रही है, मैं समझता हूँ यहाँ के कर्मी यहाँ चेयरपर्सन भी आई थी, मैंने उनसे भी निवेदन किया था कि भाई देवगढ़ के अंदर इसको बढ़ाना हो तो इसको इंडोर के एक रूप देना चाहिए, जिससे कि आइंदे जो भी प्रतियोगिता स्टेट के अलावा सीनियर नेशनल की भी यहाँ बास्केट प्रतियोगिता की जा सके। मैं मेरे छोटे जो खिलाड़ी हैं उनके लिए ये संदेश देना चाहूँगा कि देवगढ़ के अंदर एक छोटी जगह ऐसी व्यवस्था इन्होंने की है, ये व्यवस्था सब जगह राजस्थान के अंदर ऐसी भी हो। धन्यवाद। मैं अजीत सिंह राठौर, अध्यक्ष राजस्थान मास्टर्स। कर्नल रघु जोशी हूँ, यहीं देवगढ़ का ही रहने वाला हूँ, यहीं से बड़ा हुआ हूँ। मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि उसी कस्बे में जहाँ से हम बड़े होकर बाहर गए हैं, वहाँ पर राजस्थान के सीनियर लेवल के 70th बास्केटबॉल चैंपियनशिप हो रही है और मुझे इतना गर्व महसूस हो रहा है कि जो नई टीम है और जो ऑर्गेनाइजर हैं बास्केटबॉल फेडरेशन में, उनका सहयोग, वो गांव के हर व्यक्ति का निजी सहयोग, सबका उत्साह, 600 खिलाड़ियों को मैनेज करना, उनकी व्यवस्थाएं रहने के से लेके सब कुछ, और इतने सुंदर सिंथेटिक बास्केटबॉल कोर्ट जो कि बड़े बड़े शहरों में उपलब्ध होते हैं, वो एक कस्बे लेवल पर उपलब्ध होना, इसमें सबका प्रयास है और सबका प्रयास सराहनीय है और ये एक व्यक्ति नहीं कर सकता है, इसके अंदर सबका सहयोग चाहिए और वो यहाँ अपेक्षित था और सबने दिया। मैं रियली इतना अच्छा लग रहा है मुझे कि बास्केटबॉल एक नए आयाम की तरफ बढ़ रहा है छोटे से कस्बे के अंदर। मैं खुद को बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और सबका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतना अच्छा है।